नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसमें हमारी फैंटेसी की क्या टीम रहने वाली है। लास्ट दो ओडीआई मैच दोस्तों खेले जा चुके हैं और दोनों ओडीआई में हमने वन साइड विनिंग किया। दोनों ओडीआई में जो जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स थे वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स भी चले, और जिस यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन पर बात की थी लास्ट मैच में एन बर्जर और साथ के साथ बी हैनरिक्स खेले, वो भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स थे, उन्होंने भी सीवीसी की अच्छी इनिंग्स खेली। यानी कि लास्ट मैच में भी यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन था, फर्स्ट ओडीआई में इंडिया की तरफ से यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन था, अर्शदीप सिंह थे, अवेश खान थे जिन्होंने 5 विकेट्स और 4 विकेट्स लिए। और सेकेंड ओडीआई मैच में जैसा हमने सोचा था कि साउथ अफ्रीका इस मैच को विन करेगी, और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आज के मैच में बंडल वाला फैक्टर रहेगा जो इंडिया वाले मैच में था, सेम वैसा ही हुआ। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन बर्जर को और वाइस कैप्टन हैनरिक्स को रखा हुआ था। साई सुदर्शन और जोर्जी तो हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स थे ही दोस्तों, सिर्फ संजू सैमसन की वजह से लास्ट मैच में मैं ग्रैंड लीग मिस कर गया, सिर्फ संजू सैमसन की वजह से। कैप्टन भी मेरा बर्जर था, वाइस कैप्टन भी मेरा हैनरिक्स था, साई सुदर्शन थे हमारे पास, जोर्जी थे, सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन जिसके 25 पॉइंट्स थे, अगर वो 20 रन बना जाते तो वो भी ग्रैंड लीग की टीम में आ जाते। यानी कि दोस्तों हर टीम में ग्रैंड लीग के प्लेयर्स होते ही होते हैं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होते ही होते हैं, आज के मैच में भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होने वाले हैं। देखो लास्ट मैचों से तो साई सुदर्शन और जोर्जी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स थे क्योंकि उनका लो सेलेक्शन था और उन्होंने बखूबी रन भी बनाए, बखूबी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स भी थे। लेकिन आज के मैच में जोर्जी का ज्यादा सेलेक्शन हो गया, साई सुदर्शन का ज्यादा सेलेक्शन हो गया, तो अब वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स नहीं रहे। आज के मैच में कोई दूसरा ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा दोस्तों, तो कौन आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकता है जिसको हम अपनी टीम में यूज कर सकते हैं और ग्रैंड लीग की एक अच्छी टीम बना सकते हैं। समोल लीग की टीम में सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाएंगे दोस्तों, मार्करम अच्छे कैप्टन की ऑप्शन है, वाइस कैप्टन में लोकेश राहुल अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में तो कोई दूसरा ही वाइस कैप्टन कैप्टन मिलेगा आपको, तो कौन सा ग्रैंड लीग के लिए सीवीसी अच्छा रहेगा, सारी बातें दोस्तों वीडियो में करेंगे। क्या हमारी फैंटेसी की टीम रहेगी, विकेट्स कीपर कितने लेकर चले, बैट्समैन कितने लेकर चले, पिच रिपोर्ट्स कैसी है, रिसेंट फॉर्म कैसी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कैसे है, सारी बातें दोस्तों वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सेलेक्शन दोस्तों, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सेलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, तो सेलेक्शन को जरूर ध्यान में रखते हुए अपनी टीम बनाओ कि किस खिलाड़ी का सेलेक्शन कम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रैंड लीग की टीम में। तो सारी बातें वीडियो में करेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक करते हो ना काफी अच्छा लगता है, और आप लोगों के लिए गिवे भी रहने वाला 10,000 रुपए का गिवे, जिसका आंसर ठीक होगा उसको गिवे जरूर मिलेगा, और चाहे कोई फर्स्ट आंसर दे चाहे कोई लास्ट में दे, सिर्फ मेरे को आंसर ठीक मिलना चाहिए दोस्तों। वीडियो पूरी देखना, स्किप नहीं करना है, अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैच खेला जाएगा दोस्तों पार्ल में, पार्ल की विकेट्स की बात करें इस पिच पर ठीक ठाक स्कोर्स होता है, यानी कि बैटिंग करना भी ठीक ठाक है, ज्यादा हाई वेन्यू तो साउथ अफ्रीका में नहीं रहता, और लास्ट का जो मैच चले हुए ना दोस्तों उनमें भी ज्यादा बड़ा स्कोर्स नहीं बना हुआ। और मैंने आपको पहले ही बताया था जो सीरीज जैसी चलती है ना, जिस सीरीज का फर्स्ट मैच जैसा होता ना, तो आप मान सकते हो कि सारी सीरीज वो वैसी ही चलती है। फर्स्ट ओडीआई मैच में लो स्कोर्स हुआ तो सेकंड ओडीआई में भी लो ही स्कोर्स हुआ, और थर्ड ओडीआई में भी आप ये मत मानना कि ज्यादा हाई स्कोर्स होगा, जिस तरह की सीरीज चलती है वैसी ही चलती है। ये एक ऐसी नॉलेज की बात है जो आपको हमेशा हर सीरीज में आपको टीम बनाते वक्त काम आएगी, आप इस बात पर गौर करिएगा और खुद देखिएगा क्या ऐसा ही होता है। मैंने जो 5-6 साल का अनुभव है, कुछ बातें मैंने नोटिस किया उनमें से कि ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं, सबसे पहले मैच खेला जाएगा बोलेंड पार्क में, बैटिंग के लिए ठीक ठाक विकेट्स है, लेकिन हालिया दिनों में बॉलर्स का दबदबा ज्यादा रहता है, बॉलिंग को यहां पर ज्यादा विकेट्स है। हर स्थिति में टीम, एक तो होती है पिच रिपोर्ट्स, एक होती है कि मैच किस तरीके से चले हुए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी यहां पर मोस्टर होता है विकेट्स, यहां पर पेसर्स का ही दबदबा ज्यादा रहता है, पेसर्स को ज्यादा विकेट्स मिलती है। आप देख सकते हो इस पिच पर अब तक 14 मैच खेले जा चुके हैं, फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 8 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैच विन किए हैं। कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम बैटिंग करना यहां पर विन करना आसान रहता है। एवरेज स्कोर्स की बात करें तो 265 एवरेज स्कोर्स है, लास्ट मैच में 250 के आसपास एवरेज स्कोर्स था, इस पिच पर 265 का एवरेज स्कोर्स है, हाई स्कोर्स 353 जा चुका है, लो स्कोर्स की बात करें तो 43 रन यहां पर लो स्कोर्स भी रह चुका है।
अब दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न की बात करें ना, इस पिच पर ना 14 मैचों की बात करें ना, एक मैच में भी 200 से नीचे स्कोर से नहीं बना है। इस मैच में बन सकता है क्योंकि इस मैच की सीरीज आप लोगों को पता ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं चल रही है। 200 से 250 के बीच 7 बार स्कोर बना, जो कि इस पिच पर सबसे ज्यादा बार स्कोर बना है। 250 से 300 के बीच 4 बार और 300 से ऊपर भी इस पिच पर 3 बार स्कोर बना है। मेरे हिसाब से इस मैच में 250 से 300 के बीच यानी कि 260 250 के आसपास स्कोर बन सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में भी 200 से ऊपर ही स्कोर बना था। क्योंकि दोनों टीमें समझ चुकी है कि थोड़ा आराम से खेला होगा, ज्यादा आक्रामक खेलेंगे तो ज्यादा स्कोर के चक्कर में जल्दी ऑल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए टीम ठीक ठाक खेल रही है। दोनों ही टीमें थोड़ा अच्छे से खेल रही हैं, रन चाहे कम बने लेकिन विकेट जल्दी से नहीं फेंक रही है, जिसके कारण 210 220 के आसपास स्कोर बनता है। इस मैच में भी हम उम्मीद कर सकते हैं 230 यानी कि 10-20 रन ज्यादा बन सकते हैं। इस पिच पर जो लास्ट मैच खेले गए हैं उनमें कितना स्कोर बना था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो लास्ट मैच था 287 रन बने थे इंडिया की तरफ से और 6 विकेट गिरे थे। साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया था सिर्फ 3 विकेट पर, पेसर्स को 4 और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हुआ, 296 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, 4 विकेट गिरे, पाकिस्तान 265 रन 8 विकेट, पेसर्स को 7 स्पिनर्स को 4। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, 291 रन 7 विकेट, साउथ ऑस्ट्रेलिया 217 रन पर ऑल आउट होगी, लगभग 290-280 के बीच यहां पर स्कोर बनता है। पेसर्स को 35 विकेट्स मिले हैं, स्पिनर्स को 16 विकेट्स मिले हैं, यानी कि देखा जाए ना पिच को देखकर चले, अगर हम पिच के अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाए तो आज के मैच में बनना चाहिए स्कोर 290 के आसपास 300 के आसपास, लेकिन जिस तरह से सीरीज चली हुई है आपको पता है ज्यादा स्कोर नहीं बन रहा, तो आज के मैच में भी मेरे हिसाब से 240 के आसपास स्कोर बनेगा, 240-250 भी रह सकता है, 10 रन कम भी हो सकता है और 10 रन ज्यादा भी हो सकते हैं, 250 के आसपास स्कोर बनेगा ऐसा मानकर आज मैं अपनी टीम बनाऊंगा। और फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम के इस ग्राउंड पर विनिंग के ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों ये थी रिसेंट फॉर्म, अब स्ट्रक्चर क्या रहेगा विकेटकीपर का, विकेटकीपर एक सबसे अच्छा रहेगा, अगर ज्यादा स्कोर से नहीं बनता ना तो ज्यादा विकेटकीपर काम नहीं आएंगे, एक विकेटकीपर अच्छा रहेगा। बैट्समैन 2 अच्छे रहेंगे, चाहो तो 3 भी ले सकते हो या फिर विकेटकीपर चाहो तो 2 भी ले सकते हो, विकेटकीपर 2 ले रहे हो तो बैट्समैन फिर 2 ही रखकर चलेंगे, विकेटकीपर 1 ले रहे हैं तो बैट्समैन 3 भी लेकर चल सकते हैं, ऑलराउंडर दोस्तों मैं 3 लेकर चलूंगा, बॉलर्स 4 सबसे अच्छे रहने वाले, 4 बॉलर्स के साथ तो जाएंगे 5 बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि हालिया दिनों में पेसर्स को इस सीरीज में बॉलर्स ही कैप्टन वाइस कैप्टन रहे हैं। फर्स्ट ओडीआई में अर्शदीप सिंह अवेशकान सीवीसी थे, सेकंड ओडीआई में साउथ अफ्रीका की तरफ से बर्जर और बी हेनरिक सीवीसी थे, यानी कि बॉलर्स ही कैप्टन वाइस कैप्टन है, तो इसलिए बॉलर्स 4 भी रखकर चल सकते हैं और 5 भी हम अपनी टीम में रखकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की दोनों टीमों के बीच, 90 मैच साउथ अफ्रीका का थोड़ा पलड़ा भारी है, इंडिया 39 मैच, सीरीज की बात करें दोनों ने एक एक मैच विन कर लिया है, तो ये मैच तो काफी खतरनाक होने वाला, काफी स्ट्रगल भरा मैच रहेगा, जो भी टीम जीतेगी देखते हैं मेरे हिसाब से चांसेस हैं साउथ अफ्रीका के ही विन करने के, बाकी इंडिया भी मैच को विन कर सकता है क्योंकि फर्स्ट ओडीआई में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन मैं साउथ अफ्रीका के फेवर में टीम बनाऊंगा, होम ग्राउंड पर खेलेगी और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो दोस्तों मैं ज्यादा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के और इंडिया के मैं कम खिलाड़ी लेकर चलूंगा, और इंडिया के कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाकी ज्यादा खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, साउथ अफ्रीका की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मैं साउथ अफ्रीका को ही फेवर मानकर अपनी टीम बनाने वाला हूं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 की, लगभग सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है, गायकवाड़ साई सुदर्शन ओपनिंग करेंगे, तिलक वर्मा, राहुल, सैमसन, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अवेशकान, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह, दोस्तों ये इंडिया की प्लेइंग 11 है। बॉलिंग की बात करें ये 5 मेन बॉलर्स हैं, लेकिन लास्ट मैच में रिंकू सिंह ने भी बॉलिंग की थी, तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच टीम इंडिया हार रही थी तो इसलिए लोकेश राहुल ने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन ले लिए, अगर मैच कांटे की टक्कर का होता तो आपको यही 5 मेन बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, कुछ ओवर आप रिंकू सिंह और तिलक वर्मा से देख सकते हैं, नहीं तो चांसेस काफी कम है। डेथ की बात करें अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार डेथ में बॉलिंग करेंगे, अवेशकान पावर प्ले में या फिर डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं, तीनों पेसर्स ही डेथ या पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे, मिडल ऑर्डर्स में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब दोस्तों यहां से ज्यादा मैं 5 खिलाड़ी लेकर चल सकता हूं, अब कौन से वो खिलाड़ी हैं, किसको लेकर चल सकते हैं, किसकी रिसेंट फॉर्म कैसी है,
देखो दोस्तों, लास्ट के दोनों मैचों से मैंने गायकवाड को ड्रॉप किया और ये फ्लॉप रहा ओडीआई में। T20 में अच्छा परफॉर्मेंस था तो इस मैच में भी मैं गायकवाड को ड्रॉप ही करूंगा। एक तो पावर प्ले में विकेट्स गिर रहा और ओपनर्स में से तो हमेशा एक को ही लेकर चलो, जिस तरह का मूवमेंट मिल रहा ना, दोनों ही टीमें पावर प्ले में विकेट्स ले रही हैं। खासतौर पर जो टीम फर्स्ट बैटिंग करी है उसके तो विकेट्स गिर ही रहे हैं, तो इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ के चांसेस विकेट्स गिरने के रेंज गई। चलो लास्ट के मैचों से बुरी तरह से फ्लॉप थे, इस मैच में 20-25 रन बना सकते हैं लेकिन विकेट्स गिरने के इनके फिर भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि पिच बॉलर्स को पावर प्ले में मूवमेंट मिलेगा और विकेट्स जाएगी। इसलिए मैं गायकवाड़ को ड्रॉप करूंगा और रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे नहीं है, हेड टू हेड 9 का एवरेज है, काफी कम है और ओडीआई में भी 20 का एवरेज है। प्लेयर्स अच्छे हैं, सेलेक्शन भी 50% है, फिर भी क्योंकि आज ज्यादातर लोग इसको लेकर चलने वाले हैं, यही सोचेंगे दो मैचों से फ्लॉप था आज परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि विकेट गिरने के चांसेस रहेंगे तो मैं ड्रॉप करके ही चलूंगा। मैं साई सुदर्शन के साथ जाऊंगा, जैसा कि मैंने लास्ट दो मैचों में लिया हुआ था 62 रन, 55 रन, गजब की इनिंग्स खेले हैं, सीवीसी के कंटेंडर है, तो मैं साई सुदर्शन को ही अपनी टीम में प्रेफर करूंगा क्योंकि ये बंदा अच्छे से खेलता है, सिंगल डबल भी निकालता है, गेंद अच्छी लगती है तो बाउंड्री भी लगाता, तो अच्छा पिक रहने वाला। फिर दोस्तों बात करते हैं तिलक वर्मा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी ग्रैंड लीग में उतार चढ़ाव बड़े देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ऐसे खिलाड़ी को लो सेलेक्शन है। रिसेंट फॉर्म को देखोगे तो आप ड्रॉप कर सकते हो, इजिली ड्रॉप कर सकते हो, और स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके चलना ही चलना है। जीएल में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकता है, क्या पता किस मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाए। देखो गायकवाड़ भी फ्लॉप चल रहा है, वर्मा भी फ्लॉप चल रहा है, लेकिन गायकवाड़ का सेलेक्शन ज्यादा है, बेनिफिट नहीं देगा, तिलक वर्मा का सेलेक्शन कम है, ये बेनिफिट दे सकता है, तो इसलिए ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकता है लेकिन काफी कम टीमों में। अगर आप 2-3 टीम ही बना रहे हो तो फिर तो आप ड्रॉप करके चलो, फिर तो आप रिस्क मत लो। अगर आप 6 टीमें बना रहे हो तो 1-2 टीमों में तो तिलक वर्मा पर रिस्क लेना चाहिए। लोकेश राहुल फिक्स प्लेयर्स रहेंगे, अच्छे कैप्टनसी है, 56 रन, 66 रन, यानी कि वीसी के एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। कैप्टन बनाना चाहो कैप्टन भी बना सकते हो, फिक्स प्लेयर्स हैं टीम में तो उनको लेकर चलना ही चला। अब दोस्तों बात करें ना संजू सैमसन की, ये लास्ट मैच में मैंने इनको ट्राई किया होता और ये फ्लॉप ही गया, सिर्फ 12 रन बना पाया और एक कैचेज मिली, टोटल इसके 25 पॉइंट्स थे, अगर पॉइंट 40 के आसपास होते तो ग्रैंड लीग में और अच्छी रैंक आने के चांसेस हो सकते थे। तो लास्ट मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स थे लेकिन नहीं चल पाए, मौका था, बना सकते थे रन, बैट को अल्ट्रा एज लगा और स्टंप आउट हो गई, लेकिन इस मैच में भी मैं ट्राई करूंगा दोस्तों। थोड़ा जिद्दी पना दिखाना पड़ता, जिद्दी होना पड़ता है ग्रैंड लीग विन करने के लिए, तो मैं सैमसन को फिर से ट्राई करूंगा। और ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं, अगर सामने साउथ अफ्रीका के ज्यादा विकेट्स गिरते ना तो ये 20 पॉइंट्स विकेट कीपिंग से दे सकते हैं। लास्ट मैच में तो एक ही कैच मिला लेकिन अगर ज्यादा विकेट्स गिरते हैं तो 20 पॉइंट्स विकेट कीपिंग से, प्लस लास्ट मैच में 12 रन बनाए, कहीं 25-30 रन भी बना जाते। देखो ज्यादा बनाते तो और अच्छी यूनिक बनती जाती क्योंकि किसी के पास नहीं थे, तो इसलिए ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहेंगे और जिस तरह की पिच है बैटिंग आएगी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं फिर से इनको अपनी टीम में ट्राई करना चाहूंगा, या रिंकू सिंह को ले सकते हो, कौन एक्सेप्ट करा था रिंकू सिंह लास्ट मैच में बॉलिंग करेंगे एक विकेट निकालेंगे, लेकिन निकाला, शायद इस मैच में तो बॉलिंग नहीं करेंगे लेकिन ये बंदा अच्छा पिक हो सकता है। यानी कि या तो आप सैमसन के साथ जाओ या रिंकू सिंह के साथ जाओ, मेरी टीम में इन दोनों में से एक खिलाड़ी ग्रैंड लीग में होगा ही होगा, ये कन्फर्म है, मैं यहां से ट्राई करूंगा। अगर इन दोनों में से मैं एक को नहीं रख रहा तो मैं तिलक वर्मा को रखूंगा, एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी तो लेकर मैं चलूंगा ही चलूंगा, बैलेंस टीम बनाते हुए, यूनिक टीम बनाते हुए मैं चलने वाला हूं दोस्तों। रिंकू सिंह ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया, अक्षर पटेल फ्लॉप चल रहे हैं, लास्ट मैच में विकेट्स भी नहीं मिला, बैटिंग से भी सिर्फ 7 रन बनाए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे और सेलेक्शन काफी कम हो चुका है, ये एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्योंकि शुरू में तो 80% सेलेक्शन था, फिर 50% हुआ और आज के मैच में तो 30% के आसपास है, तो मैं इनको ऊपर रिस्क लूंगा आज के मैच में भी। कुलदीप यादव दोस्तों देखो, या तो मैं अक्षर पटेल को लूंगा या कुलदीप यादव को, मैं अक्षर पटेल के साथ जा रहा हूं, बॉलिंग ये भी करेंगे, बैटिंग बैकअप दोनों दे सकते हैं, अक्षर पटेल थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कुलदीप यादव को चाहो तो कुलदीप यादव को लेकर चलना, लेकिन मैं एक ही स्पिनर के साथ जाऊंगा, फिलहाल मैं अक्षर पटेल के ऊपर ही जाऊंगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अर्शदीप सिंह, ये फिक्स प्लेयर्स हैं, एक विकेट 5, एक विकेट तो निकाल ही लेगा और वैसे भी मूवमेंट्स है, लास्ट मैच में मुकेश कुमार को कोई विकेट नहीं मिला और लास्ट मैच में मैंने बताया था ना
कि आज के मैच में सीवीसी मत करना हर्षदीप सिंह को सेकंड ओडीआई मैच में, क्योंकि फर्स्ट ओडीआई में 5 विकेट निकाल ली तो सेकंड में नहीं मिलने वाली है, बहुत कम चांसेस होते हैं इतने बंडल में विकेट, और लोग क्या करते हैं फिर अगले मैच में उसको सीवीसी बनाते हैं। हमको ये देखना होता है कि आज के मैच में कौन सीवीसी रहेगा। उधर से आवेश खान को कोई विकेट नहीं मिला, लास्ट मैच में 4 विकेट थे आवेश खान और मुकेश कुमार में से, मैं मुकेश कुमार के साथ जाऊंगा अपनी टीम में। साउथ अफ्रीका की तरफ से किस खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं, हेनरिक्स जॉर्जी ओपनिंग कर रहे हैं, वेंडर डसन, मार्करम, क्लासिन मिलर, मल्डर, महाराज, बर्गर, विलियमसन, रेजा, हेनरिक्स, ये इनकी प्लेइंग 11 है। बॉलिंग ऑप्शन इनके पास 5 और 6 में है। एडन मार्करम जो बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, लास्ट मैच में वियान मल्डर ने सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग की, मैं इनसे ज्यादा उम्मीद कर रहा था, कम से कम 6 ओवर के आसपास, विकेट्स भी नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आज के मैच में इनको विकेट्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब दोस्तों ये इनके बॉलर्स हैं, डेथ में हेनरिक्स विलियमसन आपको करते हुए दिखाई देंगे, बर्गर और बर्जर भी इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। मल्डर करते तो थे डेथ में बॉलिंग, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने नहीं किया, सिर्फ मिडल ऑर्डर्स में 4 ओवर डाले, उसके बाद इन्होंने कोई बॉलिंग नहीं किया। तो यहां से मेरे सबसे साउथ अफ्रीका फेवर रहने वाली है, तो मैं साउथ अफ्रीका के ही फेवर में अपनी टीम बनाने वाला हूं। रेजा हेनरिक्स दोस्तों लास्ट मैच में 52 रन मैंने सोमोलिक की टीम में लिया हुआ था, ठीक परफॉर्मेंस है, 0-8-49 यानी कि ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जिस तरह से जॉर्जी बिंदास खेले थे लास्ट मैच में, तो जॉर्जी ही इंपोर्टेंट रहेंगे, मैं जॉर्जी के साथ जाऊंगा। रिसेंट फॉर्म अच्छी है, शुरू में तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर थे, पहले मैच में इनका 1% सिलेक्शन था, मैंने तब ट्राई किया था, 28 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 30% हो गया, और लास्ट मैच में तो दूसरे में 119 रन बनाने के बावजूद अभी इनका 70% सिलेक्शन चला गया। रिसेंट फॉर्म अच्छी है, प्लेयर्स भी काफी अच्छे हैं, आराम से ट्राई कर लेना, अच्छी बैटिंग करते हैं तो ये फिक्स प्लेयर्स रहेंगे। आरवंडर डसन 36-0-6-76 देखो ज्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, लास्ट मैच में 36 रन बनाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, एक मैच में ये ना 60-70 रन बना सकते हैं, आज के मैच में अच्छे पिक हो सकते हैं, मैं वंडर के साथ जाऊंगा। मार्करम फिक्स प्लेयर्स हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, सामने लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ज्यादा इंडिया की तरफ से, तो ये 7-8 ओवर बॉलिंग करेंगे, प्लस बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं, और 7 ओवर बॉलिंग करेंगे, एक विकेट तो निकाल ही लेंगे। सेफ कैप्टन है जो या तो बैटिंग से पॉइंट देंगे या बॉलिंग से या दोनों से भी दे सकते हैं, यानी कि बिना पॉइंट्स के नहीं जाएंगे, इसलिए फिक्स प्लेयर प्लस सेफ सीवीसी के ऑप्शन है, समोली की टीम में इनको कैप्टन बना सकते हैं। क्लासेन दोस्तों रिसेंट फॉर्म खराब है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है और उतने अच्छे पिक शायद ना रहे, बैटिंग विकेट्स के तो शानदार विकेट पिच पर तो ये ज्यादा रन भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं। उसी तरह से मिलर भी शायद ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों वियान मल्डर, इस पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग कर रहा है, लास्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग की, देखो आज के मैच में भी बॉलिंग तो करेगा ही, 4 या 5 ओवर बॉलिंग करेगा, वहां पर 1 विकेट्स भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, तो इन पर रिस्क लिया जा सकता है, सेलेक्शन काफी कम है, लास्ट मैच में भी मैंने रिस्क लिया लेकिन बॉलिंग इनसे ज्यादा नहीं करवाएगी, मेरा मानना था लास्ट मैच में ये 8 ओवर बॉलिंग करेंगे, सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करवाएगी, तो अगर ये ज्यादा ओवर बॉलिंग कर गए तो विकेट्स भी ज्यादा ही मिलेंगे, तो अच्छे पिक हो सकते हैं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहेंगे, एक बार फिर मैं ट्राई करूंगा। महाराज दोस्तों नंबर 1 बॉलर्स हैं, अगर विश्व के नंबर 1 बॉलर्स की बात करें तो वो केशव महाराज है, पहले मोहम्मद सिराज थे लेकिन अब नंबर 1 गेंदबाज केशव महाराज हो चुके हैं, तो इसलिए अब इनको अपनी टीम में लेकर चल सकते हो, क्योंकि ऐसे बॉलर जो नंबर 1 चल रहे होते हैं वो विकेट निकालते निकालते हैं पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेगा और 1 विकेट तो लेगा ही लेगा, 1 तो लेगा ही, 4-2-1-4 लेगा ही लेगा, तो अच्छा पिक रहेगा। केशव महाराज फिक्स प्लेयर्स है, आप इनको अपनी टीम में रखो चाहे पिच पर पेसर्स को हेल्प हो। फिर दोस्तों बर्गर लास्ट मैच में 3 विकेट मेरे कैप्टन थे, आज भी मैं टीम में लेकर चलूंगा। विलियमसन लास्ट मैच में 1 विकेट एवरेज रहे थे, और फिर बी हेनरिक्स जैसे ही खेले मैंने अपनी टीम में ट्राई किया, और डेब्यूटेंट प्लेयर्स को हमेशा टीम में ट्राई करो, 2 विकेट 2 कैचेस मैडन ओवर काफी पॉइंट्स दिए उन्होंने, अच्छे पिक रहेंगे। आज के मैच में भी मैं इनको अपनी टीम में लेकर चलने वाला हूं। अब दोस्तों बात करते हैं मेरी टीम की, विकेट्स कीपर में मैंने सिर्फ लोकेश राहुल को लिया हुआ है और वो भी 20 बना दिया, क्योंकि इस पिच पर मेरा मानना 250 के आसपास स्कोर्स होगा, तो इंडिया की तरफ से लोकेश राहुल और साई सुदर्शन यही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वंडर, जॉर्जी, साई सुदर्शन 3 बैट्समैन है। अक्षर पटेल फिर से ट्राई किया हुआ, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स। मार्करम कैप्टन बनाया हुआ है, 7-8 ओवर बॉलिंग करेंगे प्लस बैटिंग बैकअप देंगे, तो अच्छे सीवीसी के ऑप्शन है समोलिक के लिए। फिर दोस्तों मल्डर पर फिर से मैंने रिस्क लिया हुआ है, 4 बॉलर्स हैं, हेनरिक्स, महाराज, हर्षदीप सिंह, बर्गर। अब दोस्तों इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगा ना, तो मैं इस टीम में इंडिया का 1 बॉलर लेकर चलूंगा,
या तो मैं हेनरिक्स की जगह पर मुकेश कुमार को ट्राई करूंगा, या फिर मैं मल्डर की जगह पर मुकेश कुमार को ट्राई करूंगा। अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता तो, अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करता तो मैं सेम टीम के साथ जाऊंगा, कैप्टन रहेगा मेरा मार्करम, वाइस कैप्टन रहेगा लोकेश राहुल, जो कि एक सेफ सीबीसी के ऑप्शन है। तो ये मेरी समोल लीग की टीम है। अब दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम की बात करें ना, कुछ ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की बात की थी, जैसे कि इन दोनों में से तिलक वर्मा और संजू सैमसन या फिर रिंकू सिंह, इन तीनों में से आपकी टीम में ग्रैंड लीग की टीम में एक खिलाड़ी का होना चाहिए ही चाहिए। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हर मैच में निकलते हैं और हर मैच में बताता हूं मैं ये हो सकते और होते भी हैं, लगभग हर मैच में हो गए। आज भी इनमें से आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बगैर ट्रम्प कार्ड के फर्स्ट रैंक आ जाए। अगर ऐसा होता तो एक फर्स्ट रैंक नहीं आती, लाखों फर्स्ट रैंक आती। क्यों एक फर्स्ट रैंक आती है? क्योंकि सेलेक्शन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स काफी कम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए सैमसन और तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, इन तीनों में से मैं एक को अपनी जीएल की टीम में ट्राई करूंगा। और लास्ट मैच में भी मैंने आपको बताया था, वीडियो में बता दिया था बिल्कुल, कि मैं बर्गर और फिर या फिर मल्डर या फिर मैं विलियमसन जो भी खेलेगा उसको बॉलर्स में सीवीसी रखूंगा। उसी तरह से आज भी मैं सीवीसी यूनिक कर सकता हूं बॉलर्स में, बर्गर, अर्शदीप सिंह, ये यूनिक सीवीसी के ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि पिच पर बॉलिंग करना आसान है, बंडल में विकेट्स मिल रहे हैं, बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स इन तीनों में से एक को रखो, अक्षर पटेल और वियान मल्डर, इन दोनों को मैं ट्राई कर रहा हूं। हालांकि रिसेंट फॉर्म दोनों की अच्छी नहीं है, अपॉर्चुनिटी दोनों के पास है, दोनों बैटिंग भी कर सकते हैं, दोनों गेंदबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। फिर भी ये दोनों एक सेफ प्लेयर्स हैं, इनको तो मैंने समोल लीग की टीम में भी ट्राई किया हुआ है, जीएल में तो मैं इनको ट्राई करूंगा ही करूंगा। सैमसन और तिलक वर्मा, रिंकू सिंह में से एक को ट्राई करूंगा। 1 2 3 तीन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स दोस्तों। चौथे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स विलियमसन और मुकेश कुमार हो सकते हैं। ये चार ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा, ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा। बाकी आपको कोई और ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स लगता है तो आप उसको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बगैर ट्रम्प कार्ड के ग्रैंड लीग नहीं विन की जाती। आज के दोस्तों आज का हमारा जो गिववे का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आज के मैच में लोकेश राहुल कितने रन बनाएगा और कितने लोकेश राहुल के फैंटेसी पॉइंट्स रहने वाले हैं। जिसका आंसर ठीक होगा उसको 10,000 रुपए का गिववे दे दिया जाएगा। बस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वैसे भी दोस्तों वीडियो को तो लाइक कर दिया करो। पूरा प्रेडिक्शन आप लोग देखते हो, टीम बनाते हो, तो आपका भी हक बनता है कि आप लोग लाइक करें, और आप लोग लाइक करते हो तो काफी अच्छा भी लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपकी ढेर सारी विनिंग हो। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार।